आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे साईं के दरबार में, आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी नहीं लड़ेंगे चुनाव, महागठबंधन का फैसला। छतरपुर में कार से कैश बरामद, चुनाव में हो सकता था इसका इस्तेमाल। कई जगह चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले, नेता नहीं आ रहे अपनी से बाज। एक बच्चे की डूबने से मौत, तो एक बच्ची की खदान में दबकर हुई मृत्यु। नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं दखल न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। विजयदशमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साईं बाबा के दरबार में पहुंचकर प्रार्थना की। मोदी शुक्रवार को शिरडी पहुंचे और 3 दिवसीय साईं समाधि शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। इसके बाद पीएम मोदी ने संस्थान के भक्त निवास, थीम पार्क और एजुकेशनल हब सहित करीब 475 करोड़ रूपये के कार्यों का भूमि पूजन भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक गृह प्रवेश कराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साईं के दरबार में आकर नई ऊर्जा और उत्साह मिला है। मोदी ने आगे कहा कि जनसेवा और तपस्या की बात आते ही सबसे पहले साईं तथा शिरडी का ख्याल आता है। मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने 4 साल में 25 लाख मकान बनाए थे, जबकि भाजपा की सरकार ने 4 साल में 1 करोड़ 25 लाख मकान बनाए दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के प्रमुख पदाधिकारियों ने फैसला लिया है और तय किया है कि अजीत जोगी 90 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई और यह अहम निर्णय लिया गया कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी अजीत जोगी को कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, बल्कि सभी 90 सीटों से उनका चुनाव प्रचार प्रसार कराया जाएगा। महागठबंधन के इस निर्णय का कारण बताते हुए कहा कि अगर JCCJ अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ती तो अजीत जोगी खुद चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र थे और उन्होंने ऐसा किया भी, किंतु महागठबंधन होने के वजह से उनके दौरा सभा और प्रचार कार्यक्रमों की संख्या दुगनी हो गई है, इसीलिए अब उनको समय सभी 90 विधानसभाओं में प्रमुखता से बांटना चाहिए। अगर जोगी किसी एक सीट से लड़ेंगे तो उनका अधिक समय उस अकेली सीट में प्रचार प्रसार करने में व्यतीत हो जाएगा, जिससे महागठबंधन को बस्तर की एवं अन्य स्थानों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर अजीत जोगी ने कहा कि महागठबंधन के निर्णय के अनुसार ही वो चलेंगे। छतरपुर में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बड़े मात्रा में एक कार में कैश बरामद हुआ है। इससे पहले भी पिछले दिनों चेकिंग के दौरान 2 कारों में कैश बरामद हुआ था। छतरपुर की राजनगर थाना पुलिस और राजस्व की संयुक्त चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में कैश मिला है। यह कैश कार में एक युवक द्वारा खजुराहो ले जाया जा रहा था। इसकी भनक पुलिस को लगी तो कड़ाई से चेकिंग की गई और कार से 10.5 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने रुपयों से भरा बैग जब्त कर लिया है और युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जब्त रकम की जानकारी इनकम टैक्स को दे दी है। पुलिस को ऐसा संदेह है कि इस रकम का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना था। मरिया के पास जो पेट्रोल पंप आता है, वहाँ हमने टाइम स्क्वाड के द्वारा लगाई थी, तो वहाँ हमने कैश पकड़ा गया है, जबकि हमारी कार्रवाई बार बार चल रही है। इसके पहले भी हम बार बार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ जो निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, वो बिल्कुल साफ तरीके से हो। किसी भी वोटर को,
किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जाए, इसी के लिए हमारी बार बार कार्रवाई चल रही है। आज 11:30 बजे लगभग 10-10.5 लाख रुपये की जब्ती हुई है। इसके साथ एक कार भी बरामद हुई है और जो RC कागज है वो एक मोबाइल इसके साथ बरामद हुआ है। हमने इसकी पंचनामा करके साइन भी ले ली है और क्योंकि उस व्यापारी ने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए इसलिए उस सभी को जब्त कराया गया है। डोंगरगढ़ के महावीर तालाब में नाव पलटने से उसमें सवार एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। नाव में सवार 4 अन्य बच्चों को बचा लिया गया है। डोंगरगढ़ के महावीर तालाब में मां बमलेश्वरी मंदिर के ज्योति कलशों का विसर्जन किया जाना था। इस बीच कुछ बच्चे नाव को खोलकर दूर ले गए और बीच तालाब में जाकर नाव पलट गई। घटना गुरुवार दोपहर की है। नाव में सवार चारों बच्चों की उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है। ये बच्चे जब बीच तालाब में पहुंचे तो संतुलन बिगड़ने से नाव पलट गई। नाव पलटने और एक बच्चे के डूबने की खबर ने सबके होश उड़ा दिए। खबर मिलते ही प्रशासन की टीम गोताखोरों के साथ पहुंची। तालाब से 4 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं कक्का उर्फ राज नामक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। जमाखेड़ी गांव में मिट्टी की खदान धंसने से 4 बच्चे दब गए। इस दौरान खदान में दबी एक 11 साल की मुख बाधिर बच्ची मिट्टी हटाकर जैसे तैसे बाहर निकली और उसने इशारों से गांव के लोगों को 3 बच्चे के दबे होने की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने गंभीर घायल 3 बच्चों को बाहर निकाला। अशोकनगर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। हमारे संवाददाता विक्रम यादव ने बताया कि अशोकनगर के जमाखेड़ी गांव में 4 बच्चे घर की मरम्मत के लिए खदान से मिट्टी निकाल रहे थे कि अचानक खदान धसक गई और चारों बच्चों उस में दब गए। चंदो खान, मुस्कान, तमन्ना और अरवाज काफी देर खदान में दबे रहे। खदान में दबी 11 साल की मुखबाधिर बच्ची तमन्ना मिट्टी हटाकर जैसे तैसे बाहर निकली। उसने पास के खेत में काम कर रहे लोगों को इशारे से सारा घटनाक्रम बताया। तब खदान में दबे 3 बच्चों को बाहर निकाला गया। तमन्ना और अरवाज को मामूली चोटें आने के कारण उन्हें पिपरिया सामुदायिक केंद्र में उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल चंदो और मुस्कान को जिला अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के दौरान चंदो की मौके पर ही मौत हो गई। मुस्कान की हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर किया गया है। छतरपुर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने की खबर मिलने के बाद कांग्रेस नेता ब्रजराज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। तिवारी ने एक धार्मिक स्थल पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की शपथ दिलाई थी। यह आजाद शक्ति नामक संगठन के प्रमुख और युवक कांग्रेस के जिला महासचिव ब्रजराज तिवारी। ब्रजराज तिवारी पर आरोप है कि इसने एक धार्मिक स्थल पर लोगों को शपथ दिलाई कि सब मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ब्रजराज तिवारी कांग्रेस के नेता आलोक चतुर्वेदी के गुट के हैं। आलोक चतुर्वेदी एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुके हैं। इस बार भी ये टिकट के प्रमुख दावेदार हैं। सुन लीजिए, इनके समर्थक ने आचार संहिता का छतरपुर में खुलेआम उल्लंघन कर क्या कहा। आज हम सभी शपथ लेते हैं माता के चरणों में कि मैं छतरपुर विधानसभा का एक जागरूक युवा हूँ। मैं उस व्यक्तित्व को चुनूंगा जो काबिल है हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे सुख दुख में शामिल होगा। हम उन्हीं को चुनेंगे। हम ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सका। हम इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भारत माता की जय। छतरपुर के वार्ड क्रमांक 19 में युवक कांग्रेस के जिला महासचिव ब्रजराज तिवारी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लोगों को कसम दिला रहे थे, जबकि इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तिवारी के खिलाफ IPC की धारा 153 का 125 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला कायम कर हिरासत में लेते हुए जमानत पर छोड़ दिया है। संज्ञान में आया था
कि कोई व्यक्ति एक बीजेपी के विरोध में वोटिंग डालने की अपील कर रहा है, तत्काल उस पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने स्वमेव सेल्फ एक्शन लेते हुए हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया। तो नंबर ब्रजराज तिवारी जो सरकनपुर थाना खरगापुर जिला टीकामढ़ का निवासी है, वर्तमान में छतरपुर में देरी रोड में रह रहा, उसके द्वारा भाषण दिया गया जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन है। 125/26 का प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं उसको गिरफ्तार किया गया। जमानती अपराध होने से उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। होशंगाबाद में विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा समर्थक नेताओं द्वारा निकाली गई सलकनपुर पदयात्रा विवाद से घिर गई, इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमारे संवाददाता आशुतोष सराठे ने बताया कि स्थानीय नेता भैया जी सरकार के नेतृत्व में बिना परमिशन के सलकनपुर पदयात्रा निकाली गई। यह यात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के होशंगाबाद दौरे के दिन निकाली गई थी। पुलिस ने अब आर्म्स एक्ट एवं कोलाहल अधिनियम के तहत सभी 9 आरोपियों पर मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने जनपद अध्यक्ष संगीता सोलंकी, नरेंद्र सोलंकी, वैभव सोलंकी सहित अन्य 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा के समर्थक बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के मंत्री अमर अग्रवाल की विचारधारा से प्रभावित होकर कल बिलासपुर के तालापार एवं मसानगंज की लगभग 150 महिलाएं भाजपा में शामिल हुई। महिलाओं में अधिकतर मुस्लिम समाज से हैं। महिलाओं ने मंत्री अमर अग्रवाल के निवास स्थान पर मुलाकात की और बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। मंत्री अमर अग्रवाल ने महिलाओं को पार्टी का गमछा पहनाकर भाजपा में प्रवेश कराया। अमर भैया की अच्छी कार्यशैली और भाजपा की अच्छी विचारधारा को देखते हुए हम गृहणियां भाजपा ज्वाइन की। इस अवसर पर मंत्री अमर अग्रवाल ने सभी महिलाओं का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आने से भाजपा मजबूत होगी तथा आपने विकास को चुना है, सामाजिक एकता बनाए रखने वाली पार्टी को चुना है। मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए दखल न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।